फ्रेंड, स्वागत है आपका एक बार फिर। इसके अंदर हम लर्न ज्योग्राफी थ्रू मैप की सीरीज़ को हम देख रहे थे। आज का टॉपिक की अगर हम बात करें तो इंडिया एंड इट्स नेबर की हम स्पेशली जो मैपिंग करेंगे। ये लेक्चर नंबर 2 है और हम कह सकते हैं ये अभी भी ये बेसिक फाउंडेशन लेक्चर अभी चल रहे हैं। कुछ आने वाले 3 से 4 लेक्चर्स फाउंडेशन ही होंगे ताकि आपको एक बेस तैयार हो सके। उसके बाद फिर हम हिल्स, माउंटेन, पीक्स, एक दुनिया भर की चीज़ें, डैम्स, लेक्स, दुनिया भर की सब चीज़ों पर हम आगे धीरे धीरे बढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आपका समय जानना ज़्यादा लेते हुए। देखिए, अगर पहली बात देखें तो ये तो रहा इंडिया का मैप, बट इनके बॉर्डर्स को अगर हम देखें, अगर इनके बॉर्डर्स को कौन कवर करता है, कौन इन चीज़ों को करता है, तो इस चीज़ को ज़रूर आप याद रखने की कोशिश कीजिएगा कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, यानी कि जिसको बोलते हैं गृह मंत्रालय हिंदी के अंदर, और जो डिपार्टमेंट ऑफ बॉर्डर मैनेजमेंट, बेसिकली जो ये बॉर्डर्स एरियाज़ की जो मैपिंग स्पेशली अगर बात करें तो करता है। अगर हम बात करते हैं इंडिया के लैंड बॉर्डर्स की, यानी कि लैंड बॉर्डर जो ज़मीनी टच से हैं, लाइक जो जैसे कि आप देखते हैं पाकिस्तान हो गया, यहाँ से फिर नेपाल हो गया, फिर इधर से आपका भूटान एरिया हो गया, ये वाला भूटान एरिया भी हो गया, फिर इधर से चाइना वाला एरिया, ये पूरा का पूरा हो गया, म्यांमार वाला ये वाला एरिया हो गया। तो उनकी अगर हम बात करें लैंड एरिया की, तो ध्यान रखिएगा कुछ अप्रोक्सीमेटली जो हमें जो रिसोर्सेज मिले हैं ऑफिशियल वेबसाइट से, तो 15,106.7 किलोमीटर के हिसाब से हमारा जो, अगर हम बात करें तो 15,106.7 किलोमीटर जो है हमारा, ये हमारा लैंड बॉर्डर हमें देखने को मिलता है। अगर चीज़ों को थोड़ा और डेप्थ के अंदर थोड़ा समझें तो ये पूरे का पूरा जो लैंड बॉर्डर 92 डिस्ट्रिक्ट्स के साथ होते हुए निकलता है और साथ में 17 स्टेट्स के साथ होके निकलता है। तो आपने एक चीज़ देखी होगी कि कहीं ना कहीं हमारे 17 स्टेट्स, टोटल 29 स्टेट्स हैं, तो 17 स्टेट्स के साथ जो हमारे इंटरनेशनल बॉर्डर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अगर हम इस चीज़ को देखते हैं तो कोस्ट लाइन की बात करें, यानी कि तटीय रेखा जिसको हम कहते हैं, कि जो गुजरात से स्टार्ट होके आपकी आपकी उड़ीसा तक जो बेसिकली अगर बात करें जो जाती है, तो उसको अगर देखें तो 7,000 यानी कि 7,506.6 किलोमीटर हमें देखने को मिलता है। लेकिन इसके अंदर भी दो चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं जिसके अंदर कह सकते हैं कि जो हमारी जो मेन लैंड, यानी कि जो हमारा मेन लैंड जो कोस्ट लाइन है, वो कुछ हमारा 6,100 किलोमीटर है। और अगर बात करें कोस्ट लाइन ऑफ, अगर हम इसकी बात करें जो 179.1197 जो हमारा है, अगर बात करें तो ये इंडियन आइलैंड्स के अंदर हमारी कोस्ट लाइन देखने को मिलती है, जिसके अंदर अगर बात करें तो ये अंडमान हो गया और यहाँ पे जो ये लक्षद्वीप हो गया, अगर इन चीज़ों को अगर हम मिलाते हैं तो हमारी जो कोस्ट लाइन की बात करें तो 7,516 किलोमीटर होती है। वैसे ये फैक्ट्स आते नहीं हैं, इन चीज़ों को आप ज़्यादा स्ट्रेस मत करने की कोशिश कीजिएगा, जस्ट आपको एक ओवरव्यू समझाने के लिए कि हाँ भाई लैंड का जो अगर बात करें तो कुछ 15,000 किलोमीटर के आसपास है अप्रोक्सीमेटली, और अगर हम कोस्ट लाइन की अगर हम बात करें बॉर्डर्स की, तो कुछ हमारा 7,500 किलोमीटर है। तो आप मोटा मोटा ऐसे आप जो है याद रख सकते हैं। कोस्ट लाइन की भी अगर बात करते हैं अगर हम थोड़ा सा, तो उसके अंदर हमें ये चीज़ देखने को मिलती है कि 13 स्टेट्स के साथ विद यूनियन टेरिटरीज, यानी कि जिसके अंदर हमारे केंद्र शासित प्रदेश भी देखने को मिलते हैं, जिसमें हमारे 13 स्टेट्स और साथ में कुछ यूनियन टेरिटरीज हमें देखने को मिलती हैं। साथ में अगर हम थोड़ा चीज़ों का एनालिसिस करें तो हमारा जो सबसे लंबा जो बॉर्डर हमें देखने को मिलता है वो बांग्लादेश के साथ है। बांग्लादेश आपका ये पोर्शन, आपका ये पूरा का पूरा जो ये पोर्शन आपका बांग्लादेश है, ये वाला एरिया बांग्लादेश। और अगर शॉर्टेस्ट की बात करें तो हमारा अफगानिस्तान के साथ कुछ यहाँ से बॉर्डर हमारा लगता है, इस चीज़ को जरूर याद रखिएगा। और हमारा जो शॉर्टेस्ट बॉर्डर हमारा अफगान के साथ जो बेसिकली हमें देखने को मिलता है। तो आप लोग इसी तरह मैपिंग करते रहिए कि जैसे कि अगर हमारे बांग्लादेश आ गया तो हमें तो ये पता चल गया कि ये पूरा का पूरा पोर्शन हमारा बांग्लादेश है और साथ में अफगानिस्तान आपका यहाँ पे है। बस आप इस तरह से मैपिंग करेंगे तो देखिए आपके काफ़ी सारे क्वेश्चन जो आप होंगे काफ़ी ज़्यादा हल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा, एक्यूरेसी जो आपकी काफ़ी हाई हो जाएगी। अगर आगे बढ़ने से पहले बॉर्डर नेबर्स के साथ एक स्टेट टू स्टेट चलने से पहले, मीन्स एक कंट्री टू कंट्री चलने से पहले, एक ओवरव्यू समझ लेते हैं यहाँ पे कि नेबर कंट्रीज़ का और बॉर्डर स्टेट्स में कौन कौन से एरियाज़ लगते हैं। ये वैसे मैं हर एक सेपरेट्स में कराएंगे। तो पहली बात तो अगर जो एस्पिरेंट्स बिल्कुल नए हैं, इवन दैट जो स्टूडेंट्स हैं जो यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो देखिए अगर बात करें तो यहाँ पे अफगानिस्तान है, ये पूरा का पूरा पाकिस्तान है, ये आपका पाक हो गया, ये आपका अफगानिस्तान हो गया, और अगर हम बात करें तो ये आपका पूरा पोर्शन आपका नेपाल हो जाता है, राइट। इसी तरह आपका ये चीज़ आपकी भूटान हो जाती है, फिर आपका इधर वाला एरिया पूरा चाइना हो जाता है, इसी तरह इधर वाला एरिया भी जो है थोड़ा सा चाइना हो जाता है, फिर इसी जैसे ये तो ऑलरेडी वी टोल्ड टू यू कि ये बांग्लादेश है और ये आपका म्यांमार है। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि हमारी जो 7 कंट्रीज़ के साथ हमारे जो है अगर बात करें लैंड के साथ
हमारे जो है इंटरनेशनल बॉर्डर्स जुड़े होते हैं। बाकी हर स्टेट्स का एक अलग अलग है, उसको हम एक डिफरेंट पैटर्न्स में समझेंगे। लेकिन अगर चीज़ों को थोड़ा एनालिसिस करें, जहाँ से एमसीक्यूज़ बनाए जा सकते हैं फॉर द मैपिंग पॉइंट ऑफ व्यू, तो इस चीज़ को जरूर याद रखने की कोशिश कीजिएगा। सर, सबसे लॉन्गेस्ट बॉर्डर हमारा बांग्लादेश के साथ निको 4,996.7 किलोमीटर के हिसाब से हमें देखने को मिलता है। और सबसे ज़्यादा अगर बात करें स्मगलिंग के तौर पर चीज़ें देखें तो हमें बांग्लादेश में देखने को मिलती हैं, क्योंकि अभी भी जो है यहाँ पे बाढ़ जो है बेसिकली अगर बात करें तो अभी तक पूर्ण मात्रा में अभी तक नहीं हो पाई है। फिर सेकंड की बात करें तो चाइना हमें देखने को मिलता है, जिसके अंदर 3488 यानी 3488 किलोमीटर के तौर पे हमें देखने को मिलता है। फिर थर्ड पे जो हमारा मोस्ट बोल सकते टेंस, जिसको बोल सकते रिलेशनशिप जो हमारा पाकिस्तान के साथ है, तो कुछ हमारा थर्ड नंबर पे देखने को मिलता है। फिर फोर्थ हमारा नेपाल, फिर पाँचवा हमारा म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। इसको कैसे याद रखें? देखिए, सब हर किसी का सिंपल सी बात है, सबका एक एक वर्ड निकाल लीजिए पहला वाला, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना आपको। अगर आप पहला वर्ड निकाल लेते हैं तो ये कुछ आपको शॉर्ट कीज बन जाती हैं, BCP, NM, BA, देखिए BA याद हो जाएगा, NM याद हो जाएगा, BCP, तो कुछ ऐसे अगर आप याद रखते हैं शॉर्टकट्स, तो ये आपके ट्रिक्स होती हैं कुछ, जो आपकी आपके हिसाब से जो है यूज़फुल होती हैं। तो इस तरह से आप जो चीज़ों को बेसिकली जो है ये याद आप रख सकते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। अगर बात करें तो इंडिया बांग्लादेश के बॉर्डर के हिसाब से, तो आगे हम देखिए, अगर हम इंडिया और बांग्लादेश बॉर्डर को पहले हमने इसलिए लिया क्योंकि अगर बात करें तो हमारा इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट बॉर्डर यानी कि लॉन्गेस्ट बॉर्डर इसी बांग्लादेश कंट्री के साथ है। पहली बात बांग्लादेश किधर है, बांग्लादेश आपको पता होगा ये एक छोटा सा ये कंट्री है, यहाँ पे आपको यहाँ पे ये चीज़ क्लियर होगी होगी। देखिए बांग्लादेश का जो बॉर्डर वही 4096 किलोमीटर के अप्रोक्सीमेटली के आसपास है, और जो इसकी जो बॉर्डर एरिया जो डिफाइन किया गया था, वो ध्यान रखिएगा वो हमारे जो सर जो है रेडक्लिफ स्पेशली इन्होंने जो है डिफाइन किया था। ये 1947 के अंदर, जब आपको पता होगा थोड़ा सा कि अगर आपको हिस्ट्री पढ़ी होगी कि ये आपका वेस्ट पाकिस्तान था 1947 में, और ये आपका ईस्ट पाकिस्तान था। तो इसके बॉर्डर का जो डिफाइन किया गया था वो ये सर थे, यानी इनका नाम था जो है सर रेडक्लिफ। तो इन्होंने बेसिकली स्ट्रक्चर जो है बनाया था, लेकिन 1971 दिसंबर के अंदर इंडिया और हमारे पाकिस्तान के बीच में वॉर हुई थी, और तो बांग्लादेश जो बेसिकली आज़ाद हो गया था, तो जिस वजह से 1971 के बाद फिर बेसिकली फिर इसका नाम जो है बांग्लादेश यहाँ पे करार कर दिया गया। तो ये हमें एक चीज़ निकल के आई कि ठीक है, ये बॉर्डर है आपका, ये आपको ये याद रखना है कि ये बांग्लादेश का बॉर्डर है। साथ में रेडक्लिफ अवार्ड जो अगर बात करें तो इनको जो डिवाइडेड किया गया था प्रोविंस को, अगर बात करें तो उस समय बंगाल को स्पेशली दो बांट में जो है स्पेशली बांट दिया गया था, जिसको एक ईस्ट रख दिया था, इसको एक बाद में वेस्ट रख दिया गया था, जो आज के समय जो है वेस्ट बंगाल हमें देखने को मिलता है। लेकिन 1971 के बाद अगेन ईस्ट पाकिस्तान हट के बांग्लादेश बन गया, और यहाँ पे जो है बांग्लादेशी कंट्री लग गई। तो एक चीज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट हमें यहाँ पे ये चीज़ देखने को मिलती है कि ये जो बॉर्डर है कैटल स्मगलिंग के लिए काफ़ी कुख्यात है, यानी कि आप बोल सकते हैं काओ बफेलो की काफ़ी अधिक मात्रा में, गॉड शिप्स की जो काफ़ी अधिक मात्रा में जो है स्मगलिंग यहाँ पे देखने को मिलती है। इलीगल काम भी ज़्यादा हमें देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जांपल के तौर पर अगर हम बात करें, आपको अगर आप चीज़ों को थोड़ा सा समझें कि आखिर इंडियन करेंसी के अगर आप 1 रुपये के कॉइन्स को देखें, पहले अगर आप 2000 ईस्वी में देखें तो इंडिया के कॉइन्स कितने बड़े होते थे, लेकिन अगर हम 2000 अभी के अगर ट्रेंड में देखें तो हमें ये देखने को मिलता है इंडिया कॉइन्स 1 रुपये कितना हल्का हो रहा है। इसके पीछे रीज़न भी यही था बेसिकली कि क्या होता था कि इंडिया के कॉइन्स बांग्लादेश में चले जाते थे, और देखिए एक कॉइन का वजन कुछ 4 ग्राम के आसपास होता था, तो जब 4 ग्राम के जब चीज़ें होती तो 4 ग्राम के अंदर सोचिए आप कितने ब्लेड्स बन जाते थे। तो वहाँ से यानी कि हमारी करेंसी को ये मेल्ट करके इनसे ब्लेड भी बनाते थे, तो जिस वजह से भारत सरकार ने अपने कॉइन्स का जो है वेट जो है कम करने की कोशिश करी। तो ये एक रीज़न, जेन्युइन रीज़न, इस तरह की स्मगलिंग्स भी यहाँ पे देखने को मिलती है, एक हाई टेक स्मगलिंग की तौर पे भी चीज़ देखने को मिलती हैं। अगर कुछ और चीज़ें देखें तो हम इसको बाद में कवर करेंगे अच्छे से, कि जब हम मैपिंग करेंगे, जब मैं आपको ड्रेन सिस्टम कराऊंगा तो उसके अंदर फिर मैं आपको ब्रह्मपुत्रा के बारे में अच्छे से बताऊंगा, फिर उसके बाद गंगा के बारे में अच्छे से बताऊंगा, फिर पद्मा के बारे में बताऊंगा। तो ये सब चीज़ें बात की बात है, जस्ट अभी इसके लिए हम पोज करेंगे यहाँ पे कि ये जो होगा ये हम देखिए पैटर्न के साथ तो चल रहे हैं, एक ड्रेन सिस्टम में हम ये सारी चीज़ें जो हम कवर करेंगे बहुत अच्छे से कंसाइज वे में। अगर बात करते हैं बॉर्डर के साथ, अगर हम चाइना के साथ अगर हम करते हैं,
अगर करते हैं तो देखिए, चाइना आज के समय आपने देखा होगा कि कहीं ना कहीं काफ़ी सारी इंडिया के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट भी करता है, ऐसी बात नहीं है, और टॉप एक्सपोर्टर है आज के समय इंडिया के अंदर, अगर हम ओवरव्यू की बात करें। ये भले ही हमारे एक जैसे ही आसपास आगे पीछे आज़ाद हुए थे, लेकिन चाइना आज कहाँ पहुँच गया और इंडिया आज कहाँ का कहाँ है, तो वो हम उस मुद्दों को हम बाद में देखेंगे। अभी हम जस्ट एक बॉर्डर व्यू समझ लेते हैं। अगर हम थोड़ी सी चीज़ों को समझें तो देखिए, बॉर्डर अगर चाइना के देखें तो कुछ 5 स्टेट्स के साथ हमें देखने को मिलते हैं, जिसके अंदर आपका JNK, आपका JNK ये पूरा आ गया, ये वाला पूरा पोर्शन। फिर इसके बाद आपका हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश यहाँ पे ये आ गया। फिर इसी उत्तराखंड, उत्तराखंड आपका यहाँ पे ये आ गया। फिर आपका सिक्किम, सिक्किम आपका यहाँ पे ये आ गया। और फिर आपका अरुणाचल प्रदेश, अगर बात करें तो ये पूरा का पूरा एरिया जो आपका अरुणाचल प्रदेश हमें देखने को मिलता है। यानी कि हमें एक चीज़ पता चल गई कि जो चाइना के जो बॉर्डर्स हैं, वो चाइना के जो बॉर्डर हैं वो 5 स्टेट्स के साथ हमें देखने को मिलते हैं। ये ऐसे नाम या ऐसे याद ना करें, आप हमेशा ऐसे ही याद रखें कि हाँ ठीक है, पहले JNK आ गया, फिर आपका हिमाचल प्रदेश आ गया, फिर उत्तराखंड आ गया, सिक्किम आ गया, अरुणाचल प्रदेश आ गया। तो ऐसे आप याद रखेंगे तो चीज़ें बहुत देर तक याद रहेंगी। अगर आप ऐसे इन चीज़ों को, आप इनको ऐसे रट्टा मारने लग गए तो फिर चीज़ें जो होंगी यूज़फुल नहीं होंगी। तो क्योंकि आप UPSC प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो मैं तो यही बोलूँगा कि मैप को बेस पे रख के ध्यान से आप एक लर्निंग रखिए मैप को ध्यान में रखते हुए। लेकिन अगर हम बात करें चाइना के साथ, तो देखिए कुछ अगर ऑफिशियल मैप देखें हमारे इंडिया का, तो हमारा ये मैप है, लेकिन एक अनऑफिशियल मैप भी हमें देखने को मिलता है कि कुछ पोर्शन जो है पाकिस्तान और इंडिया के द्वंद्व के कारण, जो है पाकिस्तान और चाइना के द्वंद्व के कारण, नॉट इंडिया, जिसके कारण हमारी कुछ बोल सकते हैं लैंड कुछ लोगों ने हड़प लिया है। अगर बात करें, अगर हमारा पूरा पूरा इंडिया अगर ये देखने को मिलता है, तो हमें यहाँ पे ये चीज़ पता चलती है कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर भी कुछ हिस्सा हमारी तरफ से, मीन्स बात करें तो पाकिस्तान ने हथियार रखा है, इसी की जैसे कुछ चीज़ें चाइना ने हथियार रखी हैं। तो उन्हीं चीज़ों को हम यहाँ पे जो है बेसिकली जो है डिस्कस करेंगे। देखिए अगर हम बात करें अक्साई, देखिए चाइना क्लेम करता है सबसे पहले, जो अगर हम बॉर्डर एरिया के डिस्प्यूट्स की बात करें, तो वो ये बोलता है कि अक्साई जो चीन है बेसिकली ये चाइना का पार्ट है, क्योंकि वो यहाँ पे एक इररिलेवेंट एग्जांपल्स देते हैं। वो ये बोलते हैं कि यह बुद्धिस्ट है, तो जब बुद्धिस्ट अगर यहाँ पे है तो फिर लद्दाख में भी तो बुद्धिस्ट है, तो यहाँ पे क्यों नहीं क्लेम करते हो। तो एक इररिलेवेंट टाइप के जो क्वेश्चंस को देता है, तो जिस वजह से फिर आगे ये भी कहते हैं कि ये चांगमो वैली को भी अगर बात करें तो इनको भी ये चीज़ें देखता है, जो अगर बात है चांगमो वैली यहाँ पर भी है, तो यहाँ पर भी ये अगर बोलते हैं कि यहाँ पर भी ये बेसिकली इनका ये क्लेम यहाँ पे देख, ये बोलते हैं कि ये हमारा है, अंडर एरिया है, ठीक है अभी इंडिया ने ले रखा है, लेकिन हम फ्यूचर में इस पे जो है डायलॉग्स स्टार्ट करेंगे और हम इसको भी जो हम लेने की जो कोशिश करेंगे। तो ये सब चीज़ें 5000 किलोमीटर के हिसाब से जो एंटायर लेंथ ऑफ ईस्टर्न लद्दाख जो हमें देखने को मिलता है पूरा का पूरा ये वाला, तो इस पर भी ये बोलता है चाइना कि ये इस पर हमारा अधिकार है। पर ये सब चीज़ें डायलॉग फॉर्म है, इंडिया डेफिनेटली नहीं देगा क्योंकि हमारा ही पार्ट हमें देखने को मिलता है। फिर अगर बात करें तो चाइना ये भी क्लेम करता है कि देखिए यहाँ पे अगर आप इंडिया का मैप पूरा यहाँ से देखें, कुछ इस तरह से मैप है हमारा, तो यहाँ पे अगर बात करें तो हुंजा गिलगिट अगर बात करें जो नॉर्थ कश्मीर के अंदर है, तो इस पे भी ये बोलता है कि ये चाइना का पार्ट है। तो ये हमें डिस्प्यूटेड एरिया समय पता चल गए कि ताकि मैपिंग से रिलेटेड इन फ्यूचर के अंदर अगर हम आगे जब IR में हम कराएंगे तो आपको सारे सारे जो है डाउट्स आपके जो है क्लियर हो जाएंगे। लेकिन अगर हम बात करें जो ये हुंजा जो प्रोविजंस है अगर बात करें, तो ये पाकिस्तान ने 1963 के अंदर, यानी आफ्टर चाइना वॉर, जब आपको पता होगा 1962 के अंदर चाइना के साथ हमारा वॉर हुआ था, तो 1963 में एक तरह से गिफ्ट दे दिया था कि भैया ये आप रख लो, इस पे आपका कब्जा है। लेकिन ये इलीगली देना, ये सच में हमारे लिए काफ़ी खेद की बात है। तो इस पे डेफिनेटली हम UN में इसके प्रति जो है आवाज़ उठाएंगे, यानी कि यूनाइटेड नेशन में। इसी के जैसे कुछ और डिस्प्यूट्स हमें चीज़ें थोड़ी सी देखने को मिलती हैं, अगर हम थोड़ा सा एरियाज़ के, इनके बॉर्डर्स एरियाज़ की तरफ थोड़ा सा देखें, क्योंकि यहाँ पे भी अगर बात करें तो चाइना लगता है। तो सर द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमें ट्रांजेक्शन्स हमें देखने को मिलता है, वो हमारा जो है दीफू, अगर बात करें तो, अगर बात करें दीफू पास, जो पासिस का भी एक अलग से सीरीज़ होगी, तो परेशान मत होइएगा, पासिस से रिलेटेड हम काफ़ी सारी सीरीज़ हम लेके आएंगे। बस इसमें जैसे आपको एक ओवरव्यू दिखा रहे हैं कि क्या क्या डिस्प्यूट्स हमारे चाइना के साथ हमें देखने को मिलते हैं। तो दीफू पास में अगर बात करें, तो क्योंकि देखिए जो चाइना ये भी क्लेम करता है कि ये नेफा के अंडर था, तो ये अरुणाचल प्रदेश मैक्सिमम काफ़ी ज़्यादा पार्ट जो अगर बात करें तो ये अरुणाचल प्रदेश जो है बात करें तो चाइना का पार्ट, ये बेसिकली बोलते हैं कि ये तिब्बत का पार्ट है, तो तिब्बत चाइना के अंडर है, तो ये जिस वजह से डायरेक्टली ये इसमें वो ये बोलते हैं कि इस पे भी जो है हमारा ही अधिकार है। तो जिस वजह से आपने देखा भी वो काफ़ी बहुत ज़्यादा इशूज़ भी हुए थे अभी हाल ही में, डोकलाम का जो सिक्किम बॉर्डर के पास आपने देखा भी था,
वेस्ट बंगाल बॉर्डर के बाद, जैसे कि डोकलाम जो बेसिकली यहाँ पे था, तो ये सब चीज़ें अलग चीज़ें थी। बट बस आप ये अभी याद रखें कि जो दीफू पास है बेसिकली ट्राइजेक्शंस है, जिसको हम तालू पास भी कहते हैं, और जो ये ट्राइजेक्शंस है इंडिया तिब्बत और म्यांमार का, यानी कि दीफू पास आप यहाँ से देखें स्क्रीन के ऊपर, तो यहाँ पे आप इसको आप अपने नोट्स में मार्क करते चाहिए चलिए कि यहाँ पे दीफू पास हमें देखने को मिलता है। फिर इसी जैसे इस पे जो लाइन खींची गई है अरुणाचल प्रदेश के ऊपर, अगर हम बात करें तो वो सर मैक मोहन लाइन के नाम से जानी गई, जिन्होंने हेनरी मैक मोहन जी ने जो बेसिकली करी थी। और इस पे जो मैकमोहन जो लाइन हुई थी अगर बात करें, तो वो ब्रिटेन ब्रिटेन और साथ में जो है तिब्बत के, तो तिब्बत पे हुई थी, यानी कि उस समय जो तिब्बत एक बात करें तो तिब्बत से हुई थी। तो लेकिन चाइना यहाँ पे रिजेक्शन देता है कि वो तो तिब्बत से बात हुई थी, हमसे बात नहीं हुई थी, तो हम इस मैकमोहन लाइन को जो है नहीं मानते हैं। तो जिस वजह से अरुणाचल प्रदेश हमेशा से ये कहते हैं कि ये जो है इंडिया का पार्ट, ये जो है चाइना का पार्ट, वो ये बोलते हैं। तो तिब्बत की जो हुई थी वो ध्यान रखिएगा वो शिमला एकॉर्ड, यानी कि 1913 से 1914 के बीच में हुई थी। तो ये हमें डिस्प्यूट्स आज के समय देखने को मिलते हैं कि अरुणाचल प्रदेश भी हमें चीज़ें जो चाइना जो है बेसिकली जो क्लेम्स करता है। तो अगर थोड़ा और जूम में थोड़ा सा देखें तो हमें यही चीज़ पता चलती है कि अक्साई चीन और साथ में यहाँ पे आपका अरुणाचल प्रदेश यानी कि मैकमोहन लाइन, हमें ये सब चीज़ें बेसिकली जो है चाइना जो हमें बोलता है कि ये इसका पार्ट है, बट ये ऐसा गलत है। इसके बाद अगर पाकिस्तान के ऊपर थोड़ी सी अगर हम बॉर्डर्स की मैपिंग करें, तो सभी को पता है पाकिस्तान के ऊपर, तो इस पर ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगा, बट लेकिन पाकिस्तान के अगर हम स्टेट्स की बात करें तो ध्यान रखिएगा यहाँ से, अगर देखिए अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें तो गुजरात लगता है, राइट, गुजरात लगता है। फिर इसके बाद आपका यहाँ पे आपका इधर ये वाला एरिया अगर बात करें तो पंजाब लगता है, और ये आपका एरिया राजस्थान लगता है, और ये वाला आपका JNK लगता है। यानी कि चार स्टेट्स, यानी कि चार स्टेट जो हैं इंटरनेशनल बॉर्डर्स के साथ, जो है पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ जो बेसिकली जो चीज़ें लगती हैं। चाइना जो पाकिस्तान की अगर बात करें तो वो 1947 में आज़ाद हुआ, और सर जो रेडक्लिफ ने बेसिकली अगर बात करें जो तो लाइन खींची यहाँ पे बेसिकली पाकिस्तान की, इसकी और इसकी, तो रेडक्लिफ ने जो खींची थी जो बेसिकली उसके जो उस समय जो है चेयरमैन थे। लेकिन जो आज के समय जो हमारा डिस्प्यूट है वो हमारा जम्मू कश्मीर और सर क्रीक, तो जम्मू कश्मीर और सर क्रीक, सर क्रीक यहाँ पे अभी मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ी देर में। तो सर क्रीक के साथ जो बेसिकली हमारे जो है जो चार हमें जो बेसिकली जो ज़्यादा डिस्प्यूट है, और फोर वार्स अभी तक जो हम लड़ चुके हैं, 1948 के अंदर, 1965 के अंदर, 1971 के अंदर, और 1999 के अंदर, यानी कारगिल वॉर भी, और चारों चारों जो है वॉर जो है इंडिया जो है बड़ी ही बहादुरी से जीता भी है। देखिए अगर थोड़ा सा देखिए मैं JNK के बारे में नहीं बताऊंगा क्योंकि JNK के बारे में मैक्सिमम लोगों को पता ही है, लेकिन सर क्रिक क्रिक क्या है इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए सर क्रिक बेसिकली यहाँ पे एक छोटा सा पोर्शन है, और बेसिकली यहाँ पे ये देखिए ये एक लाइन है, और यहाँ पे देखिए क्लेम बाय पाकिस्तान डिस्प्यूटेड बाय इंडिया, ये बोलते हैं कि पाकिस्तान बोलते हैं कि बेसिकली जो ये लाइन है ये बेसिकली देखिए वैसे भारत की है, लेकिन 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 ये बोलते हैं कि नहीं है तो पाकिस्तान की है। तो जिस वजह से बेसिकली जो है ये जो विवाद जो हुआ ये सर क्रिक विवाद देखने को मिलता है। रीज़न यहाँ पे ये यह है कि यहाँ पे देखिए बॉर्डर्स नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि जो ये बेसिकली अगर बात करें जो ये लैंड है बेसिकली ये एक बोल सकते हैं मडी टाइप का है, यानी कि आप बोल सकते हैं दलदल टाइप का है। तो जिस वजह से यहाँ पे बांध मीन्स जो बाड़ नहीं लगा पा रहे हैं, और ये एक बोल सकते हैं थोड़ा सा अगर बात करें तो वाटर से रिलेटेड वाटर्स में है, काफ़ी ज़्यादा वाटर्स हैं यहाँ पे। तो जिस वजह से जो है डिस्प्यूटेड एरिया भी जो आज के समय जो बात करें तो सर क्रिक का जो है बेसिकली जो विवाद जो हमें देखने को मिलता है, यही है इसमें। बाकी इसमें इन फ्यूचर में और हम अच्छे से करेंगे, जैसे आपको अभी बेसिक ओवरव्यू कि सर क्रिक विवाद क्या है, तो जिस वजह से इसके बीच में जो है बात करें तो काफ़ी ज़्यादा विवाद देखने को मिलता है। और फिर जो साथ में फिर BSF जो हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है इस पर जो है 24 आवर जो है पेट्रोलिंग करती है। इसी जैसे इंडिया की अगर बॉर्डर की बात करें नेपाल के साथ, तो नेपाल हमारा काफ़ी पीसफुल रहा है हमेशा से, और इसके जो 5 स्टेट्स लगते हैं जिसके अंदर आपका उत्तराखंड आ गया, आपका उत्तराखंड आ गया, आपका यूपी आ गया पूरा, फिर साथ में आपका बिहार आ गया आपका इधर, फिर आपका वेस्ट बंगाल आ गया इधर, और साथ में अगर बात करें सिक्किम, आपका यहाँ पे सिक्किम हमें यहाँ देखने को मिलता है। यानी 5 स्टेट्स हमारे लगते हैं। अनरिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट्स हैं पी गुड्स एंड पीपल्स की, यहाँ पे कुछ लिमिटेड सामान आप ले जा सकते हैं, आ जा सकते हैं, आपको इलेक्शन नेशनल आईडी होनी चाहिए और आप जो है बेसिकली लेके जा सकते हैं।
इसके बाद अगर नेक्स्ट बॉर्डर की अगर हम बात करते हैं थोड़ा सा, तो उसमें हमें ये चीज़ देखने को मिलता है कि फिर उसकी जो नेक्स्ट सीरीज़ में जो हमें देखने को मिलता है वो म्यांमार देखने को मिलता है। म्यांमार की अगर हम बात करें, खास बात यहाँ पे ये है कि देखिए कि म्यांमार बेसिकली यहाँ पे हमें देखने को मिलता है, ये पोर्शन हमारा म्यांमार देखने को मिलता है। तो म्यांमार के साथ कौन कौन से स्टेट्स जुड़े हुए हैं? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर एंड मिजोरम। इस चीज़ को जरूर याद रखिएगा कि अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम कभी कभी मैपिंग्स में जो है पूछ लेते हैं। बाकी जो बाउंड्री जो रन होती है वो वाटर शेड से है यहाँ पे, और जो अगर बात करें तो इरावदी बेसिकली जो यहाँ पे इसको हम समझते हैं, और काफ़ी थिकी फॉरेस्ट रीजन है बेसिकली। अगर हम बात करें ये वाला एरिया काफ़ी ज़्यादा जो है थिकी फॉरेस्ट रीजन देखने को मिलता है, जिसके अंदर मिजो हिल्स, मणिपुर एंड नागालैंड, ये कुछ लेट्स सपोज ये आपका हो गया, आपका अगर बात करें तो ये नागालैंड हो गया, फिर आपका ये मणिपुर हो गया, और फिर आपका मिजो हिल्स हो गई। तो ये सब चीज़ें फॉरेस्ट एरिया, काफ़ी थिक फॉरेस्ट एरिया है, तो ये चीज़ हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। और उसी की जैसे अगर म्यांमार की हम बात करें तो जिसमें चिन हिल्स, नागा हिल्स, काचिन स्टेट्स, तो ये सब चीज़ें यहाँ पे हमें देखने को मिलती हैं। फिर अगर हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, तो अगर थोड़ा सा भूटान की तरफ बात करें तो भूटान भी काफ़ी पीसफुल बॉर्डर है हमारा। अगर हम बात करें तो ये पूरा का पूरा पोर्शन हमारा भूटान देखने को मिलता है ये वाला, तो भूटान भी काफ़ी ज़्यादा पीसफुल है, और नो बाउंड्री डिस्प्यूट हमारे इंडिया के साथ, कोई भी हमारा जो है इसके साथ अभी तक जो है बाउंड्री डिस्प्यूट हमें देखने को नहीं मिलता है। फिर द लास्ट पार्ट अगर बात करें तो इंडिया और श्रीलंका बॉर्डर्स की अगर हम बात करें, तो देखिए जो लास्ट पार्ट है हमारा जो इंडिया और श्रीलंका को जो सेपरेटेड करता है, वो ध्यान रखिएगा कि पाक स्टेट, यानी कि पाक स्टेट आपका बेसिकली यहाँ पे ये देखिए ये जैसे कि लेट्स सपोज श्रीलंका है, तो ये इसको यहाँ से जो है स्पेशली जो है स्टेट जो पाक स्टेट को जो है अलग जो ये पाक स्टेट जो है अलग करता है। फिर इसके बाद धनुषकोडी, जो स्पेशली आप यहाँ से देखें ये इंडिया का पार्ट है, यानी कि लेट्स सपोज ये वाला पार्ट पूरा का पूरा एंड वाला यहाँ पे धनुषकोडी है, और धनुषकोडी से जो आप अगर हम बात करें जो तलाई मनार है जो जाफना के अंदर है, वो कुछ यहाँ पे अगर लेट्स सपोज यहाँ पे श्रीलंका है, तो ये कुछ 32 किलोमीटर सिर्फ जो है बॉर्डर डिस्प्यूट हमें देखने को, मीन्स जो बॉर्डर एरिया हमें देखने को मिलता है। तो जो धनुषकोडी और तलाई मनार से अगर हम बात करें, तो ये जो जो ये धनुषकोडी और साथ में तलाई मनार, ये अगर हम बात करें तो ये कुछ आपका 32 किलोमीटर एरिया हमें देखने को मिलता है, और इसी के बीच में जो एडम ब्रिप्स हमें देखने को मिलता है। तो बस यही है और कुछ खास इसमें भी है नहीं, और यही सब था एक बॉर्डर, ताकि हमें थोड़ा सा बॉर्डर्स के बारे में पता चल सके। और आपको पता होगा कि हमारे जो बेसिकली जो फिशर्स होते हैं वो कभी इधर हो जो हो जाते हैं, कभी उधर हो जाते हैं, ये डिस्प्यूट तो हमेशा से जो है चलते रहते हैं, क्योंकि बॉर्डर तो लैंड पे ही पता दिखते हैं, और सी पे तो बॉर्डर्स नहीं दिख पाते। तो यही था दोस्तों हमारी तरफ से आज छोटी सी सीरीज़। बाकी नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम माउंटेन्स की तरफ बढ़ेंगे और हिमालयस की तरफ बढ़ेंगे, फिजिकल फीचर्स की तरफ बढ़ेंगे, और ये सब चीज़ें हम आगे कवर करेंगे। तो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग ओवर वीडियो।